हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में अकाउंटिंग एमसीक्यूज की जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है, जो कि आपके जितने भी अकाउंटेंट के एग्जाम है और जितने भी आपके पीजीटी के एग्जाम है उन सभी के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। इवन आप जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीजों को। और आज ये इसका 33 पार्ट है, यानी कि 32 पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए। इसका मतलब 320 क्वेश्चंस इसमें कवर किए जा चुके हैं। नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और आज की सीरीज में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे कोस्ट अकाउंटिंग से लिए गए हैं। जी हाँ, सारे के सारे कोस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं, तो काफी हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, जिन्होंने अभी तक हमारी लक्ष्य अकेडमी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड नहीं की है जरूर जाके डाउनलोड कर लेना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड सबसे पहले तो वो करो। इसमें आपको जितनी भी हमारी कोर्सेस हैं, चाहे वो पीजीटी के रिगार्डिंग में हो, यूके ट्रिपल एससी के रिगार्डिंग में हो, यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग में हो, ये सभी देखने को मिलेगी। और एक अच्छी बात कि जो जून में जो एग्जाम होने वाली है हमारी, जून और दिसंबर दोनों में जो हमारी स्टार्ट होने वाली है, उसकी यूजीसी नेट जेआरएफ की जो पूरी की पूरी कंप्लीट क्लास है जनवरी में स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, जनवरी में ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, पूरी की पूरी कंप्लीट कोर्स होगी जिसमें आपको सभी चीजें डिटेल वाइज देखने को मिलेंगी। क्या क्या चीजें होंगी एक बार वो बता दूं, इसमें 500 से ज्यादा आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी। और ये क्लासेस जो होंगे ये आपके कॉमर्स के होंगे प्लस मैनेजमेंट के, दोनों के मतलब दोनों सेक्शंस के अलग अलग आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा 100 से ज्यादा आपको टॉपिक वाइज अलग अलग मॉक टेस्ट मिलेगा जिससे आप अपने नॉलेज को, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओगे। कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कंप्लीट ई बुक मिलेगा आपको इसमें, साथ ही साथ में एक डाउट क्लियरिंग ग्रुप मिलेगा। मतलब आपको जैसे आप कोर्स में इनरोल करोगे ना, आपको एक ग्रुप मिल जाता है जिसमें आप अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी इश्यूज हैं आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। इवन बाकी स्टूडेंट्स के द्वारा जो इश्यूज होते हैं उनके आप आंसर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा हमें लाइव सेक्शन लेता हूं मैं आप लोगों के साथ में डायरेक्टली, जो आपके इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए सारी की सारी लाइव क्लासेस होती हैं। और जो क्लासेस हैं ये आप जब चाहे तब देख सकते हो, डाउनलोड करके भी आप इसे चेक कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं उन सभी के वीडियो सॉल्यूशन विथ रीजन, बकायदा मैं जैसे पढ़ाता हूँ चारों के चारों रीजन डिटेल में उन सभी को। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनल एनालिसिस मेरे द्वारा। आप जितने भी टेस्ट दोगे ना उन टेस्ट का मैं डायरेक्टली आप सभी के साथ एनालिसिस करता हूँ और देखता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर नहीं कर रही है तो पर्सनली मैं आपसे इंटरेक्ट करके उस चीजों को डिस्कस करूंगा और क्यों नहीं कर रही है, किस तरह से ग्रो करना है, इन सब चीजों पे मैं डिस्कस भी करता हूँ। देखो इतनी सारी फैसिलिटी, अगर मैं बेसिक प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो है 9,999 रुपए। बट आप सभी को पता है कि प्री बुकिंग ऑफर चल रही है, तो जनवरी में क्लास स्टार्ट होने वाली है लेकिन आज तारीख है 15 और 15 दिन पहले ही मैं आप लोगों के लिए प्री बुकिंग ला रहा हूँ। जिन लोगों को ज्वाइन करना है ये कोर्स ज्वाइन कर लो। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस लगने वाला है वो है 3,999 रुपए। यानी कि जनवरी में जब ये क्लास लॉन्च होगी उस दिन अगर आप ज्वाइन करोगे तो देख लो आपको 9,999 रुपए देना पड़ेगा। बट आज अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए पे करने होंगे और ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। आप एक जेन्युइनली बुक भी खरीदोगे ना यार, पूरी कंप्लीट की कंप्लीट, तो भी आपको उससे ज्यादा कोस्ट पे करना पड़ता है। खैर इसमें तो आपको क्लासेस भी मिल रही हैं, टेस्ट भी मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहा है, डाउट क्लियरिंग ग्रुप भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी मिल रहा है, मेरे द्वारा पर्सनल एनालिसिस भी मिल रहा है, सभी के सभी। यानी कि 15 दिन में 6,000 की सेविंग, क्योंकि अगर मैं आज 15 दिसंबर है, मैं मान के आज 15 दिसंबर है हमारा और जनवरी में मैं स्टार्ट करने वाला हूं तो 15 दिन के बाद जनवरी आ जाएगी, तो जनवरी में अगर आप लोग खरीदते हो तो देख लो 6,000 रुपये आपके लॉस हो जाएंगे। तो सेविंग्स करने हैं तो इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में मत बोलना कि सर प्राइसेस बहुत ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये प्री लॉन्चिंग प्राइस दिया हुआ है। एक चीज और ध्यान रखना है, जो प्री बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, डाउनलोड कीजिए, जाइए प्री बुकिंग कीजिए। जो कोड आप लोगों को यूज करना है, प्रोमो कोड, वो है NET100, 100% नेट गारंटी, इस बार हम लोगों ने ये कोर्स को रखा हुआ है। और ये ऑफर जो है, ये 3,999 है, ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स तक ही वैलिड रहेगा। जैसे ही 100 स्टूडेंट्स इनरोल कर लेते हैं ये ऑटोमेटिक जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आप भी इन 100 स्टूडेंट्स में आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और
देरी नहीं करना सभी लोग को, ठीक है ना। ऑलरेडी ये चीजें जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी कुछ लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, बाकी कुछ ऑलरेडी सीटें बुक हो चुकी है, तो बाकी लोग जो नहीं हुए हैं जरूर इनरोल कर लेना आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा किसी एक चीज को छोड़ करके कॉस्ट अकाउंटिंग बाकी सभी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। प्रॉपरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, अगेन ये काफी अच्छे से बताती है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम यही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आती, ये भी हमें मालूम चलती है। इन्वेंट्री की वैल्यू, जो इन्वेंट्री वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ जो आप गुड्स ला रहे हो, जो बेच रहे हो, जो यूजेस कर रहे हो, उन सभी की ओवरऑल वैल्यूज क्या होगी उनको चेक कर लेती, अगेन ये भी सही है। बट फोरकास्ट करना, पहले से कॉस्ट की जो कैश की फोरकास्टिंग करना, कैश की फोरकास्टिंग कॉस्ट से हम कॉस्ट देखते हैं, ना कि ये देख रहे हैं कैश की फोरकास्टिंग मतलब कैश कितने आएंगे कितने जाएंगे, ये तो सेल पर डिपेंड करता है ना, जितना सेल होगा उसके हिसाब से आपकी फोरकास्टिंग होगी। फोरकास्टिंग इन द सेंस ऑफ भविष्यवाणी करना, तो वो चीज तो अभी यहां पर होगी नहीं, कॉस्ट आपको बेसिकली कॉस्ट को देखती है। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर, जिन्होंने डी चूज किया बिल्कुल सही है यार, प्रॉपर है आप लोगों का आंसर, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तब इसी के साथ, एन आइटम ऑफ कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस मे बी डैश फॉर अनदर बिजनेस। बोला जा रहा है कि कोई कॉस्ट जो है किसी एक बिजनेस के लिए डायरेक्ट है तो दूसरी बिजनेस के लिए वो क्या हो सकता है। दूसरी बिजनेस के लिए भी वो डायरेक्ट हो सकता है, दूसरी बिजनेस के लिए वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। अब स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से एक लाइन से पढ़ोगे ना तो मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर डायरेक्टली दिख जाएगा कि अगर कोई एक बिजनेस के लिए कोई कॉस्ट अगर डायरेक्ट है तो दूसरे के लिए क्या होगा वो। तो ये एक क्या बोल सकते हैं जो राइम्स होते हैं ना उस पर चला गया, तो भाई ये साफ साफ इनडायरेक्ट यहाँ पर अगर फिट कर देना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ये देखने में लगता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पर बात आती है सर कोई ऐसा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो मेरी फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर में की शॉप है मेरी, तो मैं फर्नीचर अगर वहां पर बना रहा हूं तो वो जिसपे जो खर्चा होगा वो मेरे लिए डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरी फर्नीचर की शॉप नहीं है, मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और वहां पर मैंने कोई फर्नीचर का काम करवाया है, वो मेरे लिए इनडायरेक्ट हो जाएगा। काम दोनों में फर्नीचर का हुआ लेकिन दोनों में डिफरेंट हो गया, समझ में आ गया। अब इस तरह के एग्जांपल्स आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं कि आपके एग्जांपल्स जो कमेंट्स को मैं देखूंगा उसके हिसाब से वो लाइक करूंगा। प्रॉपर एग्जांपल मुझे मिलने चाहिए बॉस, सिंपली बोल देता हूँ, पढ़ाई करना है तो प्रॉपर रूल के हिसाब से पढ़ना होगा, ठीक है ना। और हमारी जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ने का बेसिक रूल है, देखो कोई भी चीजें पढ़नी है, जितनी भी मेरी कोर्स है मैं 100% सक्सेस गारंटी क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे कारण है। पढ़ने के लिए मैं बेसिक चीजें पहले बोलता हूँ, क्या आपको नोट्स पढ़ना है, सबसे पहले चीजें आपको प्रॉपर तरीके से हर एक नोट्स को क्लियर करना है। किसी भी टॉपिक को उठाने जा रहे हो सबसे पहले उसका नोट्स पढ़ो। दूसरी चीज उसमें क्या करनी है, नोट्स पढ़ लिया, अब जाके उस पर्टिकुलर नोट्स के थ्रू का जो आपने टॉपिक देखा था उसका वीडियो देखो, वीडियो देख लिया। तीसरी चीज, वीडियो देखने के बाद जो भी अगर आपके पास डाउट है तो पहले डाउट अपना पूछो, ठीक है ना। जो भी आपके पास डाउट है सबसे पहले अपने डाउट पूछो, डाउट क्लियर हुआ देन जाकर के उसके टेस्ट दो। जैसे ही टेस्ट देते हो टेस्ट में अपने नंबर देखो, नंबर अगर कम है किसी क्वेश्चन में, अगर गलती हुई है तो उस क्वेश्चन में गलती होने के लिए फिर से आप अपने नोट्स पढ़ो, उससे जुड़े हुए फिर से वीडियो देखो, और अगेन कोई फिर से डाउट होता है तो फिर से डाउट क्लियर करो। ये प्रोसीजर्स आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहना है, कब तक, जब तक कि आप मास्टर ना बन जाओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बॉस, और इन चीजों में मैं डायरेक्टली आपके साथ हूँ। प्रॉपर तरीके से रीड करना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। कोर्स में इन चीजों पे मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारी ऑफलाइन क्लासेस जितनी भी होती है हम लोग उन चीजों पे प्रॉपरली फोकस करते हैं, बट अगर मैं ऑफलाइन पे आ रहा हूँ तो मैं जो ऑफलाइन वाली चीजें हैं मुझे उसे ऑनलाइन में भी डालना है, ताकि आप सक्सेस करें। केवल और केवल पढ़ाई नहीं करना है, सक्सेस करना है बॉस, क्लियर सी बात, ठीक है ना। बाकी सक्सेस ना करना, अब उसके तो हजार उपाय हैं, आप पढ़ाई ना करें, मेरे जो प्रॉपर जो आपको स्टेप्स दिए हुए आप स्टेप्स फॉलो ना करें, देन इश्यूज होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, लेबर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड अंडर। बोला जा रहा है कि जो लेबर में जो खर्चा हुआ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट को बनाने में जो लेबर लग रहे हैं उसे किस चीज में क्लासिफाइड किया जाएगा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट में, इनडायरेक्ट में,
या फिर हमारा वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट में या फिर फिनिश्ड गुड्स में, फटाफट चूज करो। मैंने बोला है आज जितनी भी चीजें हैं सब कॉस्ट की, कॉस्ट अकाउंटिंग की हैं, तो अच्छे से कॉस्ट अकाउंटिंग का भी एक आसान तरीका बताता हूँ। कॉस्ट शीट है ना, उठाओ अच्छे से रखो, दो चार बार लिखो, हर चीजों को ध्यान से देखो, कॉस्ट अकाउंट खत्म हो जाएगा। बेसिक तौर पर ये करोगे ना, 90% चीजें वहीं से आने वाली है। आप इसको ध्यान से देखो, लेबर पे खर्चा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग से खर्चा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो डायरेक्ट में होती है, बस डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी, बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा मतलब डायरेक्ट पे खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग पे लेबर का खर्चा है मतलब वो डायरेक्ट पे खर्चा है, दैट्स इट। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो अगला क्वेश्चन, प्राइसिंग मेथड यूज बाय सर्विस कंपनी। प्राइसिंग मेथड कौन सा यूज करनी है कंपनी को, सर्विस कंपनी को बोला जा रहा है, सच एज होम रिपेयर सर्विस कंपनी, कोई ऐसी कंपनी है जो कि क्या करती है, होम रिपेयरिंग का काम करती है, या फिर आर्किटेक्चर फॉर्म्स हैं कुछ ऐसी हमारे पास, या ऑटोमोबाइल रिपेयर सर्विस कंपनी है। तो इस तरह के चार डिफरेंट डिफरेंट हमने कैटेगरीज आपके सामने रखी। ये जो है इनकी जो प्राइसिंग होगी, मतलब भाई सर्विस कर रही है कंपनी, अपना बेनिफिट्स दे रही है, तो उनकी जो प्राइसिंग मॉडल होगी वो क्या होगी, आपको ये बेसिकली यहाँ पर चूज करना है। तो देखो ध्यान से एक चीज बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि सर्विस कंपनी या फिर जो ये सब चीजें हैं ये सभी के लिए सेम होगा? अब मान लो होम रिपेयर की कंपनी है, क्या सभी के घर सेम बने हुए हैं, क्या सभी के घर में सेम प्रॉब्लम्स आएगा? मेरे ख्याल से बोलोगे नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी के प्रॉब्लम घर में सेम हो जाए। अलग अलग होते हैं, अलग अलग मटेरियल लगता है, अलग अलग टाइम लगता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है, अलग अलग क्या बोलते हैं तरीके अपनाने पड़ते हैं, मतलब ओवरऑल चीजें सर सब बदल जाती हैं। ऑटोमोबाइल में अब आपकी मान लो गाड़ी वगैरह है, क्या सभी की गाड़ी सेम टाइप से खराब होगी? मेरे ख्याल से बोलोगे नहीं सर, सभी की गाड़ियां तो अलग अलग टाइप से खराब होती हैं। तो जब उसमें क्या है, हमें डिफरेंट टाइम देना पड़ता है और अलग अलग मटेरियल यूज करना पड़ता है, तो जब मैं अलग अलग यूज करूंगा तो जाहिर सी बात है उनके लिए अलग अलग प्राइसिंग जोड़ूंगा, जो कि उनके टाइम के हिसाब से, उनके मटेरियल के हिसाब से ही उनकी प्राइस बनेगी। समझ में आ रहा है? लाइक आप डॉक्टर को ले लो, ठीक है ना, डॉक्टर क्या करता है, सारे पेशेंट का हिसाब से प्राइस अलग अलग होती है, ठीक है ना। बट देखो एक और बताता हूँ, एक तरह से देखा जाए तो टीचिंग भी ना एक डिफरेंट डिफरेंट सर्विस की कंपनी है, बट यहाँ पर मैंने एक चीज नई रखी है आप लोगों के लिए, पता है क्या है, जो कि किसी भी टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों को, जितने भी आप लोग पेड कोर्सेस खरीदने वाले हो, जितने भी आप लोग पेड लेने वाले हो ना, उसमें एक चीज आप लोगों को नहीं मिलने वाली है, वो है लाइव इंट्रैक्शन डायरेक्टली आपके जो भी इशूज हैं उनका। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने मानो आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं आप लोगों के लिए 100 टेस्ट असाइन करने वाला हूँ, ठीक है ना, तो पहले टेस्ट में मान लो आप लोगों ने 50 नंबर 50% लाए, दूसरे टेस्ट में सपोज आपने अगेन 50% लाए, तीसरे टेस्ट में सपोज आपके मान लेते हैं 40% आए, इस तरह से कंटिन्यूअसली 50-60 50-60 में आप चल रहे हो, लेकिन आपके स्कोर परफॉर्म इंप्रूव नहीं हो रहे। उस कंडीशन में मैं डायरेक्टली आपसे फेस टू फेस, सिंगल आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करूंगा, आपके स्ट्रेटेजीज को जानूंगा, आपने क्या मिस्टेक्स किया उन चीजों को देखूंगा और उनको ठीक करूंगा। ये चीजें किसी भी पेड कोर्स में नहीं मिलेगी जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है, ये हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं, हम लोग बच्चों के एनालिसिस को चेक करते हैं, उनसे डायरेक्टली अपने ऑफिस में बुला करके मैं डायरेक्टली उनसे पर्सनल बातें करता हूँ और उनसे जानता हूँ कि वो क्या गलती कर रहे हैं, फिर सुधारता हूँ। और इससे जो रिजल्ट है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इससे जो सक्सेस की जो रिजल्ट होती है ना, वो 90% ग्रो हो जाती है। मतलब जो बच्चा जो चांसेस कम लग रहा था कि यार ये सक्सेस करेगा, उसके सक्सेस होने के जो चांसेस हैं उस लेवल से अगेन 90% तक ग्रो हो जाते हैं। ये कैन यू बिलीव इट, इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो ये चीजें मुझे ऑनलाइन लानी थी, तो ये चीजें इसलिए हम लोग ऑनलाइन लेके आए, इसलिए प्री बुकिंग ला रहा हूँ, बाद में इस कोर्स की जो वैल्यू है यार 10,000 पड़ेगी, बाद में आप लोग देख लेना भाई। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री वैल्युएशन मैथड। इन्वेंट्री वैल्युएशन मैथड इनमें से कौन सा नहीं है, फिफो, लिफो, वेटेड एवरेज या ईओक्यू। फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आए पहले जाए, लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया सबसे पहले वो जाएगा, वेटेड एवरेज जिसकी पर्टिकुलर वेट ज्यादा होगी वो पहले जाएगा, या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फटाफट बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, जिन्होंने डी चूज किया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली ये गुड्स को मेंटेन करने का काम करती है, ये हमें कितना गुड्स ऑर्डर करना चाहिए, कितना गुड्स हमारे पास रहना चाहिए, मिनिमम गुड्स कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, कब हमें ऑर्डर करना है, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, ठीक है ना, उससे प्राइजेस क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये सभी चीजें जब हमें जानने की कोशिश करनी होती है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
बट यहाँ पर तो वैल्यूएशन की बात हो रही है और वैल्यूएशन इन तीनों से काउंट होता है। क्लियर है? आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके अगेन फिर से एक बार रिपीट कर दूं क्योंकि आज प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। 100 बच्चे ऑलरेडी इनरोल करने वाले थे, काफी लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, पहले बता दूं काफी लोग ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। कुछ लोगों ने डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट किया हुआ था मॉर्निंग के सेशन में ही, मॉर्निंग में ही तो बहुत सारे बच्चों को मैंने वो कोड ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। जो कोड था क्या, NET100। ये कोड ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में बहुत बच्चों को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उन्होंने ऑलरेडी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ज्वाइन करके उनको मिल चुका होगा। तो अगेन वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो सीट्स बहुत कम बचे हुए हैं। जिनको ज्वाइन करना है कर लो, 6000 की डायरेक्टली सेविंग है। और क्लासेस जो स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी से स्टार्ट होंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस जो मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ ये किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलने वाला, याद रखना ये चीजें आपको, ठीक है ना? और बाकी चीजें तो खैर आप देख ही रहे हो। चलो, और क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो जनवरी से स्टार्ट होंगी। इसमें जनवरी से अगर आप जनवरी में जाके सोच रहे हो खरीदेंगे जनवरी में जाकर के, तो आपको 6000 रुपया ज्यादा पे करना होगा, ये भी आप चेक कर लेना, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज, बताओ भाई टोटल जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सबको अगर मैं जोड़ दूं तो वो किस नाम से जाना जाएगा? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट? फटाफट चूज कीजिए और बताइए क्या होगा। मेरे ख्याल से बाकी लोगों ने यहाँ पर आंसर चूज कर भी लिए होंगे। क्या है जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है प्राइम कॉस्ट, वो बिल्कुल सही है। मैंने बोला ना कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है आपको? फॉर्मेट। यार ये फॉर्मेट अच्छे से देख लो ना एक बार करके, अच्छे से देख लो हर एक चीजों को, आप सभी चीजें एक बार में सीख जाओगे अच्छे से अगर देख लिया तो। ये कॉस्ट शीट देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग्जामिन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव एंड प्लानिंग फ्यूचर। एग्जामिन किया हमने हमारे पास्ट के परफॉर्मेंस को, एक्सप्लोर किया अल्टरनेटिव को और प्लानिंग किया फ्यूचर का, ये क्या कहलाएगा? यार ये तो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं यही करता हूँ आप लोगों के साथ में। देखो ये एग्जैक्टली मैं आपके ना जो टेस्ट होते हैं ना मैं उनके साथ यही चीज करता हूँ। आपकी परफॉर्मेंस को मैं एनालिसिस करता हूँ, एग्जामिन करता हूँ, उसके हिसाब से आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में वो क्या बनाना है भैया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है बस। तो अब जब इतनी मेहनत करनी है मुझे तो कहीं ना कहीं देखो एक चीज, देखो एज अ टीचर मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एज अ स्टूडेंट आपको खुद मेहनत करना है, बिकॉज ऑफ ये आपकी है। प्रोफेसर आप बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। हाँ मुझे खुशी होगी कि हाँ मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे प्रोफेसर बने हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे प्राउड फील होता है, बट अल्टीमेटली लाइफ आपकी सेट होगी, सो आपको देखना है। और मेहनत करने से अगर जी कर रहोगे या फिर चोरी करोगे, सब्स्टिट्यूट खोजोगे कि यार सस्ता कोई सर इजी रास्ता नहीं बता दो, कोई इजी रास्ता नहीं है। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट ऑप्शन नहीं होता है बॉस, मेहनत करना पड़ता है। हाँ मेहनत एक सीक्वेंस में करोगे तो इतना ना करके आपको इतना करना पड़ेगा, ये चीज क्लियर है। और मैं इतना ही करवाने पर फोकस रखता हूँ, मैं इतना नहीं करवाता हूँ, मैं इतना करवाता हूँ। वो चीजें पढ़ो जो एग्जाम में आती है, वो चीजें करो जो एग्जाम में आने वाली है, दैट्स इट, काम कहानी खत्म। फिलहाल इसको चूज करो। अब इन चीजों को आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने बात की लर्निंग की, ये बेसिकली लर्निंग है। ये आपकी परफॉर्मेंस को देखना, उसके हिसाब से अल्टरनेट चीजों को ढूंढना और फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्या है? दिस इज कॉल्ड लर्निंग। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बताओ स्टैंडर्ड कोस्टिंग की इनमें से कौन सी एडवांटेज है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, एडवांटेज बताना है स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग मतलब वो कोस्टिंग जो आपने एक अनुमान लगाया हुआ है। आप हमेशा अपने एग्जाम्स के लिए लगाते हो ना कि हाँ ये एग्जाम देने जा रहे हैं, देख लो हमारी जो है ना इस बार 98% आएगा, 99% आएगा, 56% आएगा, 70% आएगा, 80% आएगा, जो भी है आपका व्हाटएवर आपने सोच के रखा हुआ है। तो ये किन चीजों पर बेसिस पर करते हो? मेजरिंग एफिशिएंसी, फैसिलिट्स करते हो कॉस्ट कंट्रोल को, डिटरमाइन करते हो वेरियस जितने भी वेरियंस हैं उनको, या फिर इन सभी के बिहाफ पर ये चीजें करते हो? फटाफट बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। मेरे ख्याल से बोलोगे सर जब स्टैंडर्ड्स की बात होती है तो कहीं ना कहीं सभी चीजें देखते हैं हम, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऐसे ही सेट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम के स्टैंडर्ड सेट करने हैं, रिजल्ट के, आपने क्या पढ़ा है, टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है, किन और क्या पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट कितना पढ़ा है, मैंने वो नहीं बोला ध्यान से, क्या पढ़ा है, दो चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग 10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी वो फेल हो जाते हैं,
कुछ लोग सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हैं फिर भी वो पास करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ क्या पढ़ा है। मैंने बोला था ना क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है मैंने बोला नहीं, ध्यान से आपने सुना होगा, क्या पढ़ा है, टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह से डाउट्स क्लियर किए हैं और किस तरह से अपनी चीजों को स्मार्टली अपने इंप्रूव किया है, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं आपके पास। कितना पढ़ा है ये बहुत मायने नहीं रखता है, आज की डेट में कितना पढ़ा है वो जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क जिस दिन करना सीख जाओगे उस दिन काम करोगे। लाइक जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा बोलता हूँ की पॉइंट्स पे काम करना है बॉस, की पॉइंट्स पे। मेरी जो कोर्स है उसमें मैं वही चीजें पे डिस्कस किया हूँ, मैंने की पॉइंट्स समझाई हैं, की पॉइंट्स बताई हैं, पढ़ना किस तरह से, काम किस तरह से करना है, इन सब चीजों पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ दो, ऑल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब सारे खर्चों को अगर हटा दिया जाए ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर कुछ नहीं, कुछ और बोलते होंगे मे बी, रबर चूज करो राइट आंसर क्या होगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज कर लो, दैट्स इट, काम खत्म। कुछ कुछ चीजें लॉजिक नहीं करना होती है। हाँ अगर यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट होता तो आपको चूज करना होता इनडायरेक्ट कॉस्ट, खत्म कहानी, फिर से अगेन लॉजिक खत्म, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड या एक्सपेंसेस? देखा जाए तो सब जरूरत है, मटेरियल भी जरूरी है, लेबर भी जरूरी है, ओवरहेड भी जरूरी है, एक्सपेंसेस भी जरूरी है, बट आपको चूज करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस में आप अक्सर सोचने में पड़ जाते हो कि यार अब क्या होगा राइट आंसर, लेबर के बिना गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं, सारी गुड्स को अगर मैं जोड़ता हूं तब जाके ओवरहेड्स बनता है, सारे एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो कुछ कुछ अलग अलग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है ना, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अलग अलग ओवरहेड्स बनते हैं, उनके बिना कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट सीट तैयार नहीं हो सकती है। एक्सपेंसेस तो यार सभी चीजें तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस है, बट है क्या मटेरियल, गुड्स लगाना। अब मटेरियल ये समझना है, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए किसी भी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में लेबर मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब इतना मटेरियल लिया, 10 समोज मान लीजिए हमने लिया है 100 यूनिट का मटेरियल, 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो लेबर भी 100 यूनिट के हिसाब से ना लगाओगे, ओवरहेड भी इसी के हिसाब से ना खर्चा लगेगा, एक्सपेंसेस भी इसी के हिसाब से ना लगेगा, अल्टीमेटली सब किसके हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से ना। ऐसा थोड़ी कि आप लेबर के हिसाब से मटेरियल मंगाओगे, मटेरियल के हिसाब से हम लेबर लगाते हैं, मटेरियल सेलिंग के हिसाब से आती है, प्रोडक्शन के हिसाब से आती है, तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट में आ गया क्या, मटेरियल। सो ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई। 10 में से कितने स्कोर किए फटाफट कमेंट करके बताओ, और जिन्होंने अभी तक ये कोर्स नहीं लिया हुआ है जाके जरूर बाई करें। NET100 ये प्रोमो कोड आपको यूज करना है जिसमें आपको डायरेक्टली 6000 की सेविंग मिलेगी, और ये स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी इनरोल किया हुआ है। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, देखो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं हमारे इस पे, क्योंकि मैंने बोला ना मॉर्निंग में ही किया हुआ था। ओके तकरीबन 23 लोगों ने ऑलरेडी इनरोल किया हुआ है इसमें, 23 लोग ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, यानी कि 67 सीट बचे हैं बॉस सिर्फ आपके पास, 67 ही हुए ना, हाँ 77। चलो कोई बात नहीं, 10 सीट बढ़ गए यार, और क्या चाहिए, 77 सीट से बचे हुए हैं आप लोगों के पास में, 77 सीट आप लोगों को फिल करना है। ये बुक जैसे ही हो जाएगी इसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, फिर मत बोलना कि सर हम लोग मिस्टेक करके छूट गए या फिर जो भी चीजें हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोगों ने ये मुझे कहा हुआ है, इसलिए बोल दूं पहले से, मैं 4 दिन पहले से भी अनाउंस कर रहा था 100 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, और प्री बुकिंग इसकी ओपन हो चुकी है आप लोगों की। फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है ऐप का, जाइए डाउनलोड कीजिए और अभी अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए, और सक्सेस इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मतलब बनना है, किंतु परंतु कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वेट कर रहे हो, जिंदगी भर वेट करते रह जाओगे, चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है, आप सभी लोगों को राधे राधे।